हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ संडे अपडेट की वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे क्रिसेंथेमम के प्लांट हैं जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। तो इनके लगभग जब 3 इंच की ब्रांच हो जाए तो आप इसकी पिंचिंग करते जाइए। देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत इनके यानी प्लांट घने बन रहे हैं धीरे धीरे पिंचिंग करने से। एक ब्रांच से इसमें कितने सारे ब्रांच हो गए आप देख सकते हैं और लगभग सभी मेरे प्लांट इसी तरह से हेल्दी हैं। तो आपको जब इतनी बड़ी ब्रांच हो जाए जैसे ये ब्रांच मेरी हो गई है तो इसको यहाँ से आपको इस तरह से पिंच कर देना है। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ से 3 ब्रांच निकलेंगी तो आपका प्लांट धीरे धीरे और ज़्यादा घना होता जाएगा। तो इसी मेथड से आपको अपने मैरीगोल्ड को भी यानी घना बनाना है अगर आप उसको घना बनाना चाहते हैं तो, और जो भी यानी प्लांट है पिटोनिया को भी पिंचिंग कर सकते हैं। इसी तरह मैरीगोल्ड को भी मैंने पिंच किया था। ये देखिए कितने अच्छे भूसी प्लांट बन गए हैं काफ़ी अच्छे, और ये मेरा कटिंग से लगे हुए प्लांट है ये दोनों। और बाकी तो मेरे सीड ग्रोइंग प्लांट हैं लेकिन उनको भी मैंने ऊपर से कट कर दिया है। ये देखिए पहले मैंने इनको पिंच किया था लेकिन उसके बाद भी इनकी ब्रांच यानी थोड़ा ज़्यादा लंबी जा रही थी जबकि इसमें साइड ब्रांच भी निकलना शुरू हो गई थी। ये देखिए सभी में साइड ब्रांच निकलने लगी थी लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से थोड़ा कट कर दिया है और उन सबको मैंने कटिंग से फिर से लगा दिया है तो उनकी कटिंग भी तैयार हो जाएंगी। तो मेरे पास काफ़ी सारे मैरीगोल्ड के प्लांट बन जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एडेनियम कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से फूल आते हैं इनमें और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल से प्लांट होता है एडेनियम। तो आप लोग इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसके सीड से मैंने बहुत सारे प्लांट भी ग्रो किए हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे बेबी प्लांट हैं जो सीडलिंग्स है, एक ही गमले में मैंने बहुत सारे प्लांट लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पे कॉक्सकॉम के प्लांट हैं, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ लेंटाना है। देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और लगभग 1 फीट हाइट भी होने वाली है इसकी। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है जबकि जो प्लांट नर्सरी में लगे हुए हैं उनकी हाइट आज भी उतनी ही छोटी छोटी है जितनी छोटी मैं इसको लेकर आई थी। मैं इतना बड़ा प्लांट इसको लेकर आई थी और ये मेरे घर में तो इतनी ज़्यादा यानी जो मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है उससे यानी बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो करते हैं। तो मैं अपने गार्डन में सबसे ज़्यादा जब मैं प्लांट की मिट्टी तैयार करती हूँ तो सबसे ज़्यादा उसी का यूज़ करती हूँ। लगभग 0.5% मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट ही होती है। और मैरीगोल्ड को आप पानी तब दीजिए जब देखिए ऐसे थोड़ा सा एकदम जब गीला गीला रहे तब बार बार इसको पानी मत दीजिए, नहीं सिर्फ फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है। तो थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से हो जाए तब आप इसको पानी दीजिए। मेरा पानी देने लायक हो गया है प्लांट। और यहाँ पर देखिए सारे हाइब्रिड विंका हैं। और ये मेरा जो एक जोरा की कटिंग लगाई थी मैंने टूट गई थी ब्रांच, वो कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। ये सारे हाइब्रिड विंका की सीडलिंग है। और ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है रेड कलर का, बहुत प्यारा से फूल आता है इसमें। तो ये देखिए हाइब्रिड हिबिस्कस है। और एडेनियम में आप अभी अगर फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट और बोन मिल दीजिए, काफ़ी अच्छे यानी फ्लावरिंग करेंगे प्लांट। और 2-4 दाने आप DAP की भी डाल सकते हैं अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर की यूज़ करते हैं। इधर देखिए हाइब्रिड विंका है, हाइब्रिड विंका अभी आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी इस टाइम पे आसानी से लग जाती है। रेनी सीजन में तो इसकी कटिंग ख़राब हो जाती थी, मेरी भी ख़राब हो गई थी जो मैंने रेनी सीजन में लगाई थी। उसके बाद मैंने 20-25 दिन पहले यानी जो कटिंग लगाई वो देखिए चल गई हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो हाइब्रिड विंका कटिंग भी अभी आसानी से लग जाती है। तो आप इसकी चाहे तो ऊपर की टिप लगा दीजिए या फिर बीच की ब्रांच को भी कट करके आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चल जाती है। इधर देखिए मेरे सारे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, इसमें पिंक कलर का इसी तरह के फ्लावर आते हैं जैसे ये वाला प्लांट है मेरा, इसी तरह के फ्लावर इसमें भी आते हैं। और मेरे पास एक प्लांट था फिर भी मैं दूसरा ले आई, मुझे थोड़ी सी इसकी वैरायटी अलग है, इसकी पत्तियों का कलर यानी पत्तियों का जो डिज़ाइन है वो अलग है। और इनमें मैं गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट हर 15 से 20 दिन में एक मुट्ठी देती रहती हूँ और बीच बीच में बनाना पेल का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर देती हूँ। तो इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट हैं ये मेरे काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, लगभग 1.5 से 2 साल के होने वाले हैं। और आप इनका ट्रंक देखिए कितना मोटा हो गया है, हेल्दी है और सिर्फ 10 इंच के पॉट में लगाया है। काफ़ी लोग पूछते हैं आपने इस प्लांट को कितने में लगाया है, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सिर्फ 10 इंच के पॉट में लगा है ये वाला प्लांट भी और ये मेरा मिनीचर जो है ये वाला भी। इसकी रूट बाउंड हो गई थी तो मैंने इसको कट करके फिर से इसी गमले में शिफ्ट कर दिया। पहले मैं सोच रही थी इसको बड़े गमले में लगा दूँ लेकिन उसके बाद मुझे लगा फालतू इतना बड़ा गमला कौन यानी रखेगा, तो मैंने इसको अभी रीपॉट किया है। तो देखिए इसको थोड़ा शौक भी है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी येलो हो रही हैं पर देखिए आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, ये देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत ही प्यारा। अगर आप हर समय फूल चाहते हैं तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, पूरे टाइम यानी पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और इसी तरह से भर भर के फूल आते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा लेंटाना है, इसी की कटिंग मैंने ग्रो की थी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, इसकी ब्रांच टूट गई थी, इसकी ब्रांच हर समय कभी न कभी टूट जाती है तो मैं उसको कटिंग से लगा देती हूँ तो ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा एक ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है, ये भी बहुत प्यारा सा फूल है, इसका फूल मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैंने एक वेडेलिया की कटिंग लगाई है,
देखिए, और ये एक जोड़ा है वाइट कलर का, ये जब से मैं इसको लेकर आई तब से लगातार फ्लावरिंग पर रहता है। अभी इसकी बर्ड्स देखिए फिर से बन गई हैं। और जब भी आप एक जोड़ा के फूल सूख जाते हैं तो आप इसको एक दो पत्ती लेकर के यहाँ से कट कर दीजिए, तो वहाँ से न्यू ब्रांच निकलेंगी और आपका प्लांट काफ़ी अच्छा गुस्सी बन जाएगा। ये देखिए एक ड्वार्फ वैरायटी का एक जोड़ा है, पिंक कलर का बहुत प्यारा सा फूल है, देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पर मेरा पिंटास का प्लांट है। तो मैं अपने गार्डन में सिर्फ यही बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ साल में, मतलब महीने में दो, इसको तो मैं दो तीन महीने में एक बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, कभी कभी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे देती हूँ। और यहाँ पर भी देखिए हिबिस्कस कितने प्यारे यानी ब्लूम्स हो रहे हैं बहुत खूबसूरत से। ये मेरा रेड हिबिस्कस है, देसी वेराइटी का, डबल पेटल का, देखिए कितना प्यारा है। तो यहाँ से इस तरह से सारी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी यानी हो रही है। और अभी हमको विंटर की तैयारी थोड़ी थोड़ी करनी है धीरे धीरे, तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्लांट नर्सरी में नहीं आ रहे हैं, और अभी तो हमारे यहाँ लॉकडाउन भी लग गया है फिर से। और यहाँ पे देखिए पिंटास, पिंटास काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। आप इनके पास ऊपर की जो ये टिप फूल सूख चुके होते हैं आप इसको यहाँ से कट कर देंगे, नीचे की ब्रांच अच्छे से डेवलप होंगे, प्लांट आपका काफ़ी अच्छा घना होता जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको यानी ग्रो करना, ही कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। मैंने भी इसकी कुछ कटिंग और फिर से लगा दी। ये मेरा प्लांट कटिंग से लगा हुआ है, ये भी मेरा प्लांट कटिंग से लगा हुआ है। इसको मैंने 10 रुपीज़ का लिया था लास्ट ईयर विंटर में ही, ये रेड कलर का। तो अभी इस समय इनका सीज़न है, आप इसको चाहे तो नर्सरी से ला करके आपको छोटा बेबी प्लांट यानी 10 रुपीज़ में मिल जाएगा, और बड़ा लेंगे तो 30 या 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बालसम है, अब इनका भी सीज़न जाने वाला है। ये भी सिर्फ रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छे से खिलते हैं, समर से लेकर रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा खिलते हैं, और अभी तो कुछ दिनों तक खिलेंगे। देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसके फ्लावर। यहाँ पर मेरा चांदनी का प्लांट है, चांदनी को भी मैंने कुछ कट करके हटा दिया है जो यहाँ की ब्रांच थी। और एक हिबिस्कस का प्लांट है जो मेरे देसी रेड कलर वाला, इसको मैंने पूरा प्रून कर दिया है देखिए। और इसको मैं थोड़ा सा ना एक छोटे से पॉट में लगाने वाली हूँ, थोड़ा बोनसाई से लुक देने वाली हूँ इसको मैं, तो मैं ट्राई करूँगी। मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, इस बार मैं देखूँगी अगर मेरे से बन जाता है तो। इधर मैंने अपने करी पत्ते को भी पूरा प्रून कर दिया है फिर से, एक बार मैंने शुरू में किया था जुलाई के टाइम और बहुत ज़्यादा ब्रांच बढ़ गई थी तो मैंने फिर से इसकी प्रूनिंग कर दी है। यहाँ पर देखिए एक बालसम है रेड कलर का, बहुत प्यारा सा है, थोड़ा गाजरी से कलर है, बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए सीड से ग्रो हुए मेरे कैलेंडुला के प्लांट। एक प्लांट मेरा सीडलिंग पूरी ख़राब हो गई थी, टूट गई थी बीच से, उसको मैंने देखिए ऐसे ही कटिंग के जैसे लगा दिया तो वो लग गया बिल्कुल, इसकी जो जड़ थी वो ख़राब हो गई थी। तो कैलेंडुला कटिंग से भी ग्रो हो सकता है। और यहाँ पे देखिए अलमंडा की कटिंग लगाई थी वो भी ग्रो हो गई। ये मेरी हिबिस्कस की कटिंग्स हैं जिनको मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, इसका एक प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिया है। और ये सारे मेरे कटिंग से लगे हिबिस्कस हैं, इसमें भी बड़े बड़े से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। इधर सारे मेरे जीनिया हैं जो बेबी प्लांट सीडलिंग में लेकर आई थी, ये देखिए। यहाँ पर मैंने डहेलिया को ग्रो किया है बल्ब से, ये देखिए यहाँ पर बल्ब आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इसको मैंने बल्ब से ग्रो किया है, ये मेरे लास्ट ईयर के जो गमले हैं उन्हीं में बहुत सारे बल्ब पड़े हुए हैं अभी भी, और उनसे यानी प्लांट निकलते रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो मैंने इसको अलग से सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे देखिए विनका है, ये जीनिया है, ये जेट प्लांट है, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया और बहुत अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हो गई, ये देख सकते हैं आप। और इसको मैं सुबह की धूप थोड़ी सी देती हूँ, लगभग 3-4 घंटे की। और यहाँ पर सीडम है, सीडम ग्रास, ये एक अजूबा का प्लांट है। और यहाँ पे देखिए मेरे बालसम है जो अभी खिल रहे हैं, और इधर एक लिफा, ये मोरपंख थूजा, और ये मेरा एक अलमंडा का प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग इस टाइम पे अब बंद हो गई है। और ये एक मोरपंख है थूजा का प्लांट, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा सा प्लांट है। यहाँ पे एक मेरा अरेलिया का बहुत बड़ा सा प्लांट था जिसको मैंने पूरा कट करके नीचे से भी कट किया और ऊपर से भी कट करके एक छोटे से प्लास्टिक के टब में लगाया है, बिल्कुल छोटा सा है ये, लगभग 2-2.5 इंच की गहराई है। और इसकी एरियल रूट्स देखिए आप बिल्कुल, ये तो ये मुझे इसका शेप अच्छा लग रहा था, पहले मैं इसको सोच रही थी हटा दूँ, काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया था, लेकिन इसको मैंने फिर रख लिया और काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में। तो यहाँ से इस तरह पूरा गार्डन मेरा दिखता है, ये देख सकते हैं आप। और बटरफ्लाई तो इतनी ज़्यादा मेरे गार्डन में आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा घूमती हैं हर समय, ये देखिए। और खूब सारे फूल खिले रहते हैं, हिबिस्कस मेरे हर टाइम पे मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ, लगभग हर अपडेट में, संडे के अपडेट में मेरे हिबिस्कस इसी तरह से खिलते हैं। इसमें 3-4 फूल रोज़ आते हैं और बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट मुझे। और सबसे बड़ी बात, इसमें जितने भी मेरे प्लांट हैं सबके फ्लावर सिर्फ एक दिन रहते हैं, लेकिन ये प्लांट मेरे सिर्फ यानी 2 दिन इसके फ्लावर रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा यानी लगता है ये मुझे। और कटिंग से भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इतनी ऊपर की टिप आपको लेनी है और सैंड में लगा दीजिए, प्योर सैंड में। और आप इसको मॉइस्ट, थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए मिट्टी को यानी सैंड को, और थोड़ा थोड़ा पानी से स्प्रे करते रहिए बीच बीच में, बहुत ज़्यादा यानी नहीं, लेकिन आपकी कटिंग हमेशा थोड़ी नमी बनी रहे उसमें, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, चाहे आप देसी की लगाएँ या फिर हाइब्रिड की लगाएँ।
यहाँ पर देखिए मेरे पान का प्लांट है, काफ़ी अच्छा हेल्दी है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी ब्रांच है। और इसको भी बहुत आसान है लगाना, आप यहाँ से कट करके इसकी देखिए एरियल रूट्स निकलती हैं। तो आप इसको अगर मिट्टी में, अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप उससे कई प्लांट बना सकते हैं। तो उसकी मिट्टी में ऐसे टच करके थोड़ा सा दबा देंगे तो यहाँ से न्यू प्लांट बन के निकल आता है। और ये देखिए मेरा एक नया प्लांट, यहाँ से मैं कट करके लगा लूँगी तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। तो मुझे इसको किसी को देना है इसलिए मैंने इसको ग्रो किया है यहाँ पर। और इसकी तो बहुत सारी ब्रांच निकली हुई है, ये सारे मेरे क्रोटन हैं, ये देख सकते हैं आप गोल्डन डस्ट। और मैंने अपने सारे क्रोटन यहीं पर रख दिए हैं, ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रोटन है। मेरे पास यही दो तीन वेराइटी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और इंडोर प्लांट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है ये। यहाँ पे देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट में जो लीफ कटिंग से, यानी एक एक लीफ लेकर के ये मनी प्लांट लगाया था, ये बेबी टीयर्स का प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। और देखिए इसको मैंने, इसका हैंगिंग बास्केट मैंने चेंज कर दिया, पहले छोटे से इतने बड़े प्लांटर में मैंने लगाया था तो बिल्कुल इसकी मिट्टी रोज़ सूख जाती थी, तो मैंने इसको थोड़ा बड़े में कर दिया। और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल आर्ट, इसे पानी ज़्यादा हो गया था तो देखिए इसकी ब्रांच मैंने कुछ कट करके अलग से लगा दी है और इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी सी येलो हो रही हैं। बाकी इधर के जो प्लांट है मेरा काफ़ी अच्छा हेल्दी है, ये देखिए कितनी ज़्यादा लंबी हो गई इसकी ब्रांच। और ये टायर प्लांटर में लगा हुआ है, ये ट्रायंगल आर्ट है, आप देख सकते हैं इसे कितना ज़्यादा यानी खूबसूरत है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। और ये देखिए यहाँ पर भी, तो जब इसकी यानी इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है तो इसकी पत्तियों की जो शाइनिंग होती है वो कम हो जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तो ये बिल्कुल खुद यानी प्लांट बता देगा कि इसको क्या कमी है। अगर हम गमले को चेक करके नहीं भी देखते हैं छू करके, तो मैं इसको देख रही हूँ बिल्कुल से ड्राई हो गई इसकी मिट्टी, और इसकी पत्तियों की जो शाइनिंग थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है इसको बिल्कुल पानी की ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर सारे मेरे मनी प्लांट हैं, मनी प्लांट को भी मैंने कुछ को प्रून कर दिया था इन प्लांट्स को, ताकि इनमें न्यू न्यू ब्रांच और पत्तियाँ डेवलप हों। ये प्लांट मेरा देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है। ये मेरे कोलियस हैं, कोलियस से मैंने कुछ कट करके हटा दिए हैं और उनको मैं कटिंग से फिर और ग्रो कर लूँगी। इसमें देखिए अभी दो कलर कितने ज़्यादा खूबसूरत है, दोनों सेम प्लांट है लेकिन देखिए अभी जो नया निकला है वो ऐसा कलर में आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ पर देखिए डहेलिया, एक बल्ब से उगा हुआ डहेलिया और है। यहाँ पर मैंने कुछ डहलिया की कटिंग्स भी लगाई हैं, तो अभी आप कटिंग्स लगा सकते हैं अब अगर आपके यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप अभी मत लगाइए, कुछ दिन और रुक कर यानी 15 अक्टूबर के लगभग फिर आप लगाइए। तो इसका भी वीडियो मैं शेयर करूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको अपडेट से दूँ वीडियो, लेकिन अपडेट के साथ अगर बनाऊँगी तो आप लोग फिर लेट हो जाएंगे, तो मैं देखती हूँ कि फिर बनाऊँगी या नहीं। और ये देखिए क्रोटन, और ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है, ऑरेंज कलर का बहुत प्यारा सा फूल आता है इसमें, इसको मैंने कुछ दिन पहले ही ऐड किया अपने गार्डन में। ये देखिए वैंडरिंग जू, और ये अरेका पाम है। अरेका पाम मेरा कुछ दिन पहले थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा हो रहा था, अभी तो ठीक हो गया है। तो इसको मैंने क्या दिया है, वर्मी कंपोस्ट दिया है, इसको मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है, क्योंकि उसमें लगभग सब कुछ इस प्लांट को मिल जाता है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम, फास्फोरस, लगभग सभी जितने भी यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो प्लांट यानी प्लांट की नीड पूरी हो जाती है। और वर्मी कंपोस्ट लगभग महीने में, दो तीन महीने में एक बार इसको एक दो मुट्ठी देते रहेंगे। मेरा प्लांट तो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है प्लांट, लगभग 6-7 साल पुराना प्लांट है मेरा। तो और एक बड़े से बकेट में मैंने इसको लगा कर रखा है, देखिए लगभग 15 लीटर की बकेट थी मेरी, उसी में मैंने इसको लगा दिया क्योंकि मेरे काफ़ी बड़ा हो गया था, ये रूट बाउंड हो गया था। इससे मैंने एक प्लांट भी अलग सेपरेट किया हुआ है, तो आप इसी तरह से इसको यानी दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। और बीच बीच में आप इसको फंगीसाइड का स्प्रे भी करते रहिए, क्योंकि ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं तो थोड़ा फंगस का अटैक होता है। और या तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। वैसे बहुत ज़्यादा पेस्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है, बस नीचे से इसकी रूट रॉट हो जाती है ज़्यादा वाटरिंग की वजह से। तो बहुत ज़्यादा जब इसकी थोड़ी सी मिट्टी यानी आपको थोड़ा सा यानी लगभग एकदम गीला ना रहे, थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए और थोड़ी सी ड्राई लगे ऊपर की सरफेस, तब आप इसको पानी दे दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये देखिए रिबन ग्रास कितना ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं बिल्कुल। और ये मेरा पेंडानस का प्लांट है, बहुत अच्छा यानी ग्रो हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे सारे सीडलिंग्स हैं जो मैं लेकर आई थी अभी कुछ दिन पहले नर्सरी से, और अभी मैंने इनको छाया में ही रखा हुआ है। जब तक इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो जाती तब तक मैं इनको धूप में नहीं निकालूंगी, क्योंकि अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है हमारे यहाँ। ये एक नया प्लांट मैंने सिंगोनियम का ऐड किया था, देखिए इसकी गोल्डन पत्तियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये इधर सारे, और ये एग्लोनिमा है, मैंने आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया हुआ है। ये मेरे एक प्लांट से मैंने 4-5 प्लांट बना लिए हैं, मेरा एक ही प्लांट मैं लेकर आई थी जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी तो सिर्फ ये वाला प्लांट था। उसके बाद इसमें 4 बेबी प्लांट निकले थे और ये वाला प्लांट मेरा टूट गया था, तो मैंने इसको कटिंग से लगा दिया तो इसमें भी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गई है और ये भी अब एक अच्छा हेल्दी प्लांट बन गया। देखिए यहाँ पे न्यू
पत्तियां भी आने शुरू हो गई हैं और सभी में लगभग 5-5 पत्तियां आ चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं और बहुत ही जल्दी ये अच्छे से अपने आप को ग्रो कर लेंगे और काफ़ी अच्छे ये भी घने बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मैरीगोल्ड की जो कटिंग लगाई है, जो मैंने आपको दिखाया था कट करके, जो कट कर दिए थे प्लांट उन्हीं की कटिंग को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए एक मेरा टोरेनिया का प्लांट है जो फ्लावरिंग पर आ गया है, ये मेरा सीड से ग्रो हुआ प्लांट है, ये मैं अभी नर्सरी से लेकर आई थी, ये भी टोरेनिया है। इधर डेंथस है, ये एक मधुकामनी का प्लांट है, ये मेरा अरेलिया, अरेलिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसकी रूट्स मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इसका जो मैं अडेनियम को भी अपने इसी शेप में बनाना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे अडेनियम का एक बहुत ही अच्छा बोनसाई प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग अभी हो रही है, लेकिन एक प्लांट को मैंने और अच्छे से ट्रीट करके रखा हुआ है, तो उसका वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो उसके रूट्स इसी तरह से बनेंगी। और यहाँ पे देखिए कुछ अडेनियम मैंने प्रून भी कर दिए हैं, तो आप अगर आपके यहाँ बारिशें हो रही हैं तो आप बिल्कुल भी प्रूनिंग अभी ना करें, आप अक्टूबर में प्रूनिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है यानी जो मंथ होता है वो तो फेब्रवरी का होता है, तो आप फेब में प्रूनिंग करिए, और नहीं तो अगर करना चाहते हैं तो अक्टूबर में भी कर सकते हैं। और अगर अभी आपने कर दी तो आप इसमें बिल्कुल भी ऐसा यानी बचा के रखें कि बिल्कुल बारिश का पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट यानी ख़राब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा। और मेरे प्लांट का देखिए ये मेरे सीड से ग्रो हुए यानी प्लांट है, फरवरी में मैंने इनको ग्रो किया था, सारे मेरे प्लांट लगभग 6-7 मंथ के हो चुके हैं ये, और इनका कोडेक्स देखिए आप कितना अच्छा है। और मैंने इसीलिए इनको प्रून भी कर दिया ताकि इसमें कई ब्रांच निकलकर प्लांट अच्छा घना बन जाए, तो नीचे से जो कोडेक्स और ऊपर ब्रांच जब खूब सारे निकलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पर देखिए एक बेगोनिया की मैंने कटिंग लगाई थी, वो भी ग्रो हो गई है। ये मेरा अरेलिया का प्लांट है, बॉल अरेलिया, ये एक सिंगोनियम की एक और वेराइटी है मेरे पास, बिल्कुल छोटा सा लेकर आई थी मैं, और अभी देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांच हो गई हैं। ये मेरा सांग ऑफ इंडिया, और यहाँ पे देखिए टर्टल वाइन मैंने कुछ कटिंग से और लगा दिया है, एक ये मैंडविला का प्लांट है, एक ये क्लेडियम का है, ये मेरे सारे सेंसिवेरिया हैं जो एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं, इनकी तो एक एक लीफ से भी ये प्रोपोगेट हो जाता है बहुत आसानी से। तो इस तरह से मेरा गार्डन दिखता है यहाँ से, ये मेरा इनडोर गार्डन है एक तरह से, ये देख सकते हैं आप। और अभी मैंने अपने सारे गमलों में पेंट भी कर लिया है, तो थोड़ा यानी ये अच्छे दिखने लगे हैं। और कुछ अडेनियम मैंने यहाँ पर भी रखे हुए हैं, ये देखिए पानी से बचा कर, बारिश तो हमारे यहाँ खैर बहुत ज़्यादा हुई ही नहीं है, अभी भी नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए जो इसकी मैंने ब्रांच कट कर दी थी उसको मैंने थोड़ा अलग एक नया सा शेप देने की कोशिश की है, ये अगर ग्रो हो जाता है तो बहुत अच्छा लुक देगा। यहाँ मेरे कुछ सकुलेंट हैं जो लीफ से प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड फ्लोर का गार्डन है, और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा पर्सलेन अभी भी ब्लूमिंग कर रहे हैं, इधर सारे मैरीगोल्ड हैं, और यहाँ पर कनेर के प्लांट है, कनेर बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हुए, तो सुबह टाइम में बहुत सारे फ्लावर खिले रहते हैं, ये देख सकते हैं आप कितने सारे फ्लावर हैं अभी भी। और कुछ तो हमने भगवान जी में तोड़ के चढ़ा दिए हैं, देखिए रेड हिबिस्कस, इसके प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं और काफ़ी अच्छे यानी ग्रो हो रहे हैं, ये खूब सारी फ्लावरिंग करते हैं, देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं, कल बहुत सारे आए थे जो मैंने फिर कट करके हटाया भी नहीं। और यहाँ पर देखिए चंपा, चंपा पूरा सीज़न निकल गया, अब इसमें बर्ड्स आनी शुरू हुई है, मेरे कटिंग से लगा, मैंने 5 में इसकी कटिंग लगाई थी, यहाँ पर भी पर्स लेना। और देखिए ये देसी रोज में कितने सुंदर से फूल आए हुए हैं, बहुत प्यारे से, और इन सबको मैं अभी प्रून करने वाली हूँ, विंटर के लिए तैयार करूँगी थोड़ा अच्छे से, कि खूब सारी यानी फ्लावरिंग दे सके और इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दूँगी, तो उसका वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फिर। और यहाँ पर देखिए अपने आप ही ये नई नई पत्तियाँ इसमें आके ग्रो हो रही हैं, एक बार मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी, ये देखिए रोज़ बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।